हमारा शो इतना अच्छा चल रहा था, इतना सब कुछ खूबसूरत था उसमें। शही, आपका भी सीरियल था सलीम अनारकली, वो काफ़ी खूबसूरत सीरियल था, लेकिन काफ़ी कम समय बाद ही ऑफ एयर चला गया था। सो जब ऐसे अचानक पता चलता है कि सीरियल जो आप कर रहे हो और काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, स्टिल वो ऑफ एयर जा रहा है, तो आपके आपके अंदर क्या थॉट्स होते हैं उस दौरान? आई गेस इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हमारा शो इतना अच्छा चल रहा था, इतना सब कुछ खूबसूरत था उसमें, मगर उसकी स्टोरी का एक ग्राफ था जो कम्प्लीट होने वाला था। आई एम ग्लैड कि वो वहाँ पर ख़त्म हो गया, और हमने जो भी मेजर सीक्वेंसेस थे सलीम और अनारकली की लाइफ के, वो हमने दिखाए, और मुझे वो कैरेक्टर प्ले करने को मिला। आई थिंक वो मेरे लिए ड्रीम रोल था। मुझे इतना अमेजिंग कैरेक्टर करने को मिला, इतने उसमें शेड्स अलग अलग थे, और इतना कुछ था करने के लिए। एज एन एक्टर आई फील ब्लेस्ड, आई फील रियली हैप्पी दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू प्ले सलीम। एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि इस शो ने इश्कबाज को रिप्लेस किया है, तो काफ़ी सारे फैंस हैं, जो इश्कबाज के फैंस हैं वो नाराज़ भी हो रहे हैं, और सोशल मीडिया वॉर भी चल रहा है। यार, आई रियली फील बैड अबाउट दैट, बिकॉज नकुल मेरा दोस्त है और कुछ ही दिन पहले मिला मुझसे, एंड एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया। मुझे लगा था कि हमारा 7 बजे का टाइम स्लॉट है, लेकिन बाद में जब पता चला कि आई वॉज थिंकिंग कि आई होप इट्स नॉट रिप्लेसिंग माई शो, इज नॉट आर शो इज़ नॉट रिप्लेसिंग इश्कबाज, बिकॉज वो बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं उससे, और बहुत अच्छा शो बना था, वो बहुत अच्छा चला भी। या आई वॉज होपिंग इट डजंट हैपन, बट इट हैज हैपेंड। आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट। मैं उसे क्या मुंह दिखाऊंगा? वेल, ये सब तो चैनल के डिसीजंस हैं एंड वी हैव नथिंग टू डू अबाउट दैट। एंड बट या, इश्कबाज वॉज एन अमेजिंग शो, एंड मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या वॉर चल रहा है। मैं तो आई एम नॉट बीन ऑन सोशल मीडिया फॉर क्वाइट अ वाइल, बट या आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक विश देम ऑल द बेस्ट, एंड आई नो लाइक दे विल कम बैक विद समथिंग रियली ग्रेट सून। या दैट इज देयर, दे आर कमिंग बैक विद सम रियली गुड स्टफ, सो दैट्स गुड न्यूज़ फॉर द ऑडियंस। जाते जाते फैंस से क्या कहना चाहेंगे जो इस शो के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं? हम फैंस को ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप एक्साइटेड हैं, वैसे हम भी एक्साइटेड हैं, और शहीर तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो खुद का क्योंकि खुद ने कर रहे हैं स्क्रीन पे, राइट? ऑलमोस्ट प्लेइंग माय सेल्फ, आई फील वेरी एक्साइटेड। आई थिंक आई कैन रिलेट टू द कैरेक्टर अ लॉट। पहली बार ऐसा हुआ कि मैं इतना रिलेट कर पा रहा हूँ किसी कैरेक्टर के साथ, और यही कहना चाहेंगे कुछ अच्छा, एक ऑनेस्ट एफर्ट है इसमें हमारा। कुछ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो मेकर्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, एक अच्छा शो, एक क्लीन शो ऑडियंस तक लेके आ रहे हैं एक मैसेज के साथ, विच इज़ अमेजिंग, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। स्टार ट्राइज एंड मेक स्टफ लाइक दिस, वो ऐसा कॉन्सेप्ट ड्रिवन शोज लेके आते हैं। हाँ, तो प्लीज़ डू वॉच इट। अगर आपको ये, मैंने बहुत पहले एक शो से शो के टाइम पे कहा था, प्रमोशन के टाइम पे, और आज फिर कहने का मन कर रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सोने से पहले एक मुस्कुराहट के साथ सोएं, कुछ अच्छा देख के सोएं, वो हाई डोज ऑफ ड्रामा और एक्शन और वो सब नहीं, तो आप ये शो जरूर देखिएगा। यू विल गो ऑफ टू स्लीप विद अ स्माइल, एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। यस।